आगरा के कछुआ शमशाबाद में महर्षि वाल्मीकि की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान ही वाल्मीकि समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली और शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में वाल्मीकि समाज के लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा का शुभारंभ नगर पालिका पार्षद चेयरमैन प्रतिनिधि अमरीश कांत गुप्ता ने फीता काट कर किया। जगह जगह मालाओं से भव्य स्वागत भी किया गया। शोभा यात्रा समापन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। समाज के लोगों का सम्मान भी किया गया। लाइव तस्वीरें प्राइम बी की न्यूज दिखा रहा है कि शमशाबाद कस्बे के महर्षि वाल्मीकि जयंती पर शोभा यात्रा की शुरुआत सरकारी अस्पताल से हुई, जो नगर के प्रमुख मार्ग होते हुए गांधी चौराहा फतेहाबाद रोड होते हुए वाल्मीकि मंदिर पर समाप्त हुई। वाल्मीकि समाज के समाज सेवी कुल सुपरवाइजर अशोक बागड़ी ने कहा है कि महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता थे। समाज को उनके आदर्श पर चलने की आवश्यकता है और वाल्मीकि मंदिर कमेटी के पदाधिकारी की प्रशंसा भी की गई। तो वहीं युवाओं को संगठित कर रहकर वाल्मीकि शोभा यात्रा को हर वर्ष ऐसे ही धूमधाम से मनाए जाने को कहा गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शमशाबाद थाना अध्यक्ष अनिल शर्मा पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। इस दौरान अध्यक्ष राज सूरज वाल्मीकि, कोषाध्यक्ष शेर सिंह, निरीक्षक राजेश बागड़ी, सुपरवाइजर विनोद बागड़ी, वहीं शिशुपाल बागड़ी, गौरव बागड़ी, जितेंद्र बागड़ी, गोपालपुरा, वहीं राजू कडेरा, विनोद कडेरा, टोला मनोज बागड़ी, पत्रकार विनय बागड़ी, अजय बागड़ी, संदीप बागड़ी समेत तमाम लोग मौके पर मौजूद रहे। प्राइम बी की न्यूज़ के लिए शमशाबाद से मनोज बागड़ी की खास